ये नहीं है, इसके बाद आएंगे, इसके बाद आएंगे, इधर पार्टी में जा रहे थे, अब आएंगे, अब आएंगे। देखो आगरा में दिन दहाड़े डकैती, मन्नापुरम गोल्ड लोन के ऑफिस से स्टाफ को बंधक बनाकर 17 किलो सोना व 5 लाख की लूट। पुलिस ने मुठभेड़ में दो बदमाशों को दबोचा, मुठभेड़ के दौरान लगी गोली से बदमाश हुए घायल। आगरा में मन्नापुरम गोल्ड लोन के ऑफिस से हथियारबंद बदमाशों ने स्टाफ को बंधक बना दिन दहाड़े 17 किलो सोना व 5 लाख रुपए लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस व आला अधिकारी मैं फोर्स मौके पर पहुंच गए। वारदात के दो घंटे बाद ही पुलिस ने दो बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस की मुठभेड़ के दौरान दो लुटेरे को लगी गोली, करीब आधा माल बरामद। जानकारी के अनुसार आगरा के कमला नगर के पास शनिवार की दोपहर मन्नापुरम गोल्ड लोन के ऑफिस में सभी कर्मचारी कार्य में व्यस्त थे, तभी ऑफिस में चार हथियारबंद बदमाश अंदर घुसे व हथियार निकाल स्टाफ पर तान दिया। हथियारों के बल पर स्टाफ को बंधक बना दिन दहाड़े 17 किलो सोना व लगभग 5 लाख रुपए नगद लूट की वारदात को अंजाम देकर बेखौफ होकर फरार हो गए। दिन दहाड़े लूट की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई व अधिकारियों को सूचना दी। इतनी बड़ी लूट की वारदात से पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया व आगरा SSP सहित IG नवीन अरोड़ा मौके पर पहुंच गए व सभी कर्मचारियों से पूछताछ की एवं ऑफिस में लगे CCTV कैमरों में फुटेज की जाँच व बदमाशों की तलाश में जुट गए। बताया कि बदमाशों की संख्या 6 थी, इनमें से 4 बदमाश कैप लगाए थे जबकि 2 बिना कैप के थे, सभी ने मास्क भी लगाया हुआ था। लूट को अंजाम देने के पहले 4 बदमाश ऑफिस में गए जबकि 2 बाहर खड़े रहे। इसके बाद बदमाश लूट की घटना को अंजाम देकर भागते समय बगल के ही दुकानदार से पूछा कोई सायरन तो नहीं बजा। सनसनीखेज लूट की वारदात के बाद कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया व आसपास में लगे CCTV फुटेज खंगालने में जुट गए। वहीं आगरा शहर की सारी सीमाओं को सील कर दिया गया। पुलिस की कई टीम शहर में लुटेरों को खोजने में जुटी थी। आगरा पुलिस की तत्परता के चलते शहर की नाकेबंदी कर दी गई, जिले के सभी थानों को इत्तला कर दी गई व पुलिस की कई टीम बदमाशों को पकड़ने में जुट गई। उसी दौरान एतमादपुर के पास चेकिंग के दौरान बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने पुलिस को देख फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी जिससे वह घायल हो गए। उसी वक्त पुलिस ने उन्हें धर दबोचा व उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया। पुलिस ने बदमाशों से लूट का करीब आधा माल बरामद कर लिया। बदमाशों से पूछताछ जारी है व फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है। और हमारी कई टीमें इसमें लगी हुई हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी इस पर प्राप्त करेंगे और जो भी बदमाशों में CCTV में भी साक्षी नजर आ रहे हैं वो आराम से इजीली निकल रहे हैं। टीमें लगी हुई हैं, कितनी टीमें सर गठित हैं और क्या कुछ भरोसा दिलाना चाहें आगरा की जनता को कब तक इसको खुलासा हो जाएगा? बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि आज रात तक कल तक हम लोग उसको वर्कआउट करेंगे। सर इस तरह की फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ लगातार चेकिंग बढ़ाई जानी चाहिए, पेट्रोलिंग होती है, पेट्रोलिंग होती है, बैंक की भी जिम्मेदारी है, RBI की गाइडलाइंस है कि जो भी बैंक होते हैं उनको भी प्राइवेट सिक्योरिटी रखनी चाहिए, तो वो सब बात के हैं, उन पर हम बाद में चर्चा करेंगे और बैंक की मीटिंग बुलाएंगे। लेकिन अभी हमारा फर्स्ट उद्देश्य ये है कि ये जो घटना हुई है, जो भी बदमाश शामिल हैं उसको पकड़ करके सब चीज़ें हम लोग अलग अलग चीज़ों को काम देख रही हैं और उनके आधार पर ही काम कर रहे हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।